इंदौर में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की तर्ज पर लोगों ने अधिकारियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ मामला खाचरोद में भी देखने को मिला, जहां सीएमओ जीवन राय माथुर को फंसाने के लिए कुछ अज्ञात लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा मामला 31 दिसंबर की रात का है, जिसमें खाचरोद नगर पालिका सीएमओ जीवन माथुर के घर कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को भेजा गया और उन महिलाओं के सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने का वीडियो क्लिपिंग बनाई गई, ताकि सीएमओ को हनी ट्रैप मामले की तरह शिकंजे में लिया जा सके। इन अज्ञात लोगों द्वारा इस तरह की हरकत करते हुए उनके मेहमान के ड्राइवर ने देख लिया और मामले की सूचना सीएमओ को दी। इतने में मौका पाकर महिला और सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि यह पूरा मामला सीएमओ के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना को लेकर सीएमओ ने पुलिस थाने में शिकायत की है, साथ ही उन्होंने किसी प्रकार के षड्यंत्र का अंदेशा भी जताया है। उसके 5 मिनट बाद जो हमारे मित्र आए थे रखब जैन बड़ोद से, उनका ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया। हमारा दरवाज़ा बंद था तो मेरे ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। उसने अंदर आकर के बताया कि एक कार आई बाहर और उस कार से एक युवती और 3-4 लोग उतरे और 2 मोटरसाइकिलें आई और इन लोगों ने उस युवती को मेरे निवास स्थान के बाहर नीचे की पेड़ी पे 2-3 स्टेप चढ़वाया और चढ़ाते हुए उसके वीडियो क्लिप बना रहे थे वो लोग आए थे जो, और उसकी उतरते हुए की भी उनने वीडियो क्लिप बनाई। इसके बाद में उसने बताया कि ऐसी स्थिति है, तो उसी मैंने इस बात से तत्काल SDM साहब को, SDOP साहब को, TI साहब को, शुक्ला जी SI को अवगत कराया। निनामा जी रात को ही, SI निनामा जी रात को ही आए और उन्होंने मौका मुआवना किया। उनने देखा कि बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने कहा इसके फोटोज आप निकाल करके दें। तो हमने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी थी इसकी कि कोई षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर, तो हो सकता है किसी ने षड्यंत्र किया हो मेरे खिलाफ और वो CCTV फुटेज और उस ड्राइवर की होशियारी से वो लोग भाग गए। वहीं खाचरोद SDOP वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि CCTV फुटेज के गहनता से जांच करवाई जा रही है। फुटेज में दिखने वाले आरोपियों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उस सुबह CMO माथुर साहब ने एक आवेदन दिया है थाने पे कि रात में उनके घर के ऊपर कोई व्यक्ति किसी महिला को सीढ़ियों तक लाया था, तो उनके उसमें आया है, वो CCTV में आ गया है। उसके बाद महिला लौट के गई है, तो उनको ये शंका है कि उनको कोई फंसाने के लिए किसी ने प्रयास किया है। CCTV फुटेज के बारे में उनको बता दिया है तो वो निकलवा के दे रहे हैं। ये उसकी जांच करा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम जब नहीं दिया है, इसकी जांच करा लेते हैं। उसमें CCTV फुटेज में जो भी चेहरे आते हैं या नंबर आता है गाड़ी वाड़ी का, उसके पता करके उस पर कार्रवाई करवाई जाए। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि गाड़ी और वीडियो बनाने वाले लोग स्थानीय प्रतीत हो रहे हैं, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर मामला काफी गंभीर है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सरकारी ओहदे पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना काफी सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नागदा।